लगा है कि अगर ये लोग सामने से आए तो मैं फोटो तो छोड़ ही दीजिए, मैं इनको सामने से काटने की औकात रखूंगी। भगवा रंग अगर उस तरह धारण करना है ना, कब धारण किया जाता है, जब तुम इस संसार से मोह माया त्याग कर दो और तो और अपना पिंड दान कर दो, औकात है इन लोगों को। सर धर्म के आधार पे तो इस देश को दो टुकड़े में बांट दिया गया कि ये मुसलमानों के लिए, ये हिंदू के लिए, लेकिन जो मुसलमानों का है वो केवल मुसलमानों का है, लेकिन जो हिंदू है वहाँ पे सिर्फ सेकुलर लोग रहेंगे। यानी कि सारे धर्मों को मानने की इजाजत है लेकिन हिंदू धर्म को टारगेट करके उसको मारने की इजाजत है। स्वामी विवेकानंद जी जब विदेश गए थे तो उनसे एक चीज पूछा गया था कि आखिर क्यों आपके देश में लड़कियों से, स्त्रियों से कोई हाथ नहीं मिला सकता, तो उन्होंने बोला था कि आपके देश की जो रानी है क्या उनसे हर कोई हाथ मिला सकता है, बोले नहीं, हमारे देश में रहने वाली हर एक स्त्री वो खुद में रानी है, महारानी है, इसलिए हम उनके पैर को छू सकते हैं, उनकी इज्जत कर सकते हैं, उनसे हाथ जोड़ के प्रणाम कर सकते हैं, नतमस्तक हो सकते हैं, हाथ नहीं मिला सकते, उनको छू नहीं सकते। अपने धर्म के लिए नहीं खड़े होंगे ना तो कल हमारा धर्म साथ नहीं देगा, और एक बार हमारा धर्म ने हमारा साथ छोड़ा ना तो कलयुग का तो विनाश तय है, फिर कुछ नहीं बचेगा सर, एक भी हिंदू राष्ट्र नहीं है, अंतिम में ये भी नहीं बचेगा, नहीं कमाएगी। लेकिन ये मत भूलिएगा हमारे देश में जिहादी भी हैं और हमारे देश में हिंदू जयचंद भी मौजूद हैं जो इस मूवी को देखने जरूर जाएंगे। क्यों ना तकलीफ हो, मुसलमान उनकी बस वही गलती है, वो मुसलमान है जो हम हिंदुओं को मारना चाहते हैं, वो मुसलमान है जो गलत कुरान को फॉलो करते हैं और उसके बाद कहते हैं गुस्ताख नबी की एक ही सजा, सट्टन से जुदा, सट्टन से जुदा। गलहौत खान सहित घोड़े को बीच से फाड़ने वाले हमारे महाराणा प्रताप, हम पढ़ेंगे तो उनका इतिहास, ना कि इन पठानों और मुल्लों और मुगलों की। हमें पठान से भी दिक्कत है क्योंकि वो हमारे देश का नहीं, हमारे शाहरुख खान से भी हमें दिक्कत है क्योंकि जब बद्रीनाथ जैसी भयानक घटना हमारे भारत देश में हुई थी, एक रुपया पैकेट से नहीं निकला था इसका, लेकिन जब पाकिस्तान में बाढ़ आया था तो आंसू इसके बह रहे थे, और 100 करोड़ रुपया देने वाला ये शाहरुख खान, जिस तरह तुमने श्रद्धा का बदला लेने का तो कोशिश किया, उसे देख के हमारा दिल खुश हो गया कि नहीं, अभी भी हिंदू मरे नहीं है, अभी भी जागे हैं। ये देश सेकुलरिज्म की राह पर जानते हैं क्यों है, क्योंकि हिंदू यहाँ बहुसंख्यक है। जिस दिन मुसलमान यहाँ बहुसंख्यक होगा, तुम्हारे बाप में दम नहीं है इसे हिंदू राष्ट्र साबित करने की। जिस दिन ये इस्लामिक कंट्री साबित हुआ ना, उस दिन ना तुम अपनी माँ को बचा पाओगे, ना बहन को बचा पाओगे, तुम्हारे सामने बलात्कार होगा और तुम हिजड़ों की तरह तालियां बजाओगे। नमस्कार, मैं सुमित तिवारी, TNN वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। पठान मूवी के बेशरम गाने का भारत में विरोध किया जा रहा है, बायकॉट किया जा रहा है, लेकिन वहीं शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण फीफा वर्ल्ड कप में बिंदास खुल के प्रमोशन कर रही है। अब ये मुद्दा उठ रहा है कि देखिए दुनिया उनको पसंद कर रही है, लेकिन भारत के निवासी शाहरुख खान का मूवी यहाँ पर बायकॉट किया जा रहा है। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ खुशबू पांडे जी जुड़ रही हैं, उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जो ये बेशरम गाना है क्यों इतना विरोध किया जा रहा है इसका। पहले तो आपका स्वागत है। धन्यवाद। ये बताइए, आपने बेशरम गाना दिखा पहले, ये बताइए। जी बिल्कुल बिल्कुल। कैसा लगा? कैसा लगा कि आप बेशर्म रंग, सबसे पहले गाने का नाम देखिए, बेशर्म रंग, और रंग कौन सा? भगवा। भगवा जो हम हिंदुओं की पहचान है, उस भगवे को उन लोगों ने, इन दलों ने बेशर्म रंग का नाम दे दिया। सर खून तो खोल रहा है, अब जाहिर सी बात है, हम बोलेंगे तो लोगों को लगेगा संविधान के विरुद्ध जा रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे वार्तालाप होते हैं ना जिसकी वजह से हमें संविधान के विरुद्ध जाकर कुछ बातें बोलनी पड़ती है। अब जैसे अभी हम बोलने वाले हैं कि मुझे इतना बुरा लगा है कि अगर ये लोग सामने से आए तो मैं फोटो तो छोड़ ही दीजिए, मैं इनको सामने से काटने की औकात रखूंगी। अच्छा। ये गाना सुन के अगर वाकई में जो हिंदू है ना उन्हें बुरा लगेगा, उनसे दिल से बुरा लगेगा, अगर वो हिंदुत्व का मतलब समझते हैं, हिंदू धर्म का मतलब समझते हैं। एक और बात बोली गई थी कि मुझे फोटो भी दिखाया गया था कि कुछ साधु को दिखाया गया था, साधुओं ने पहन रखा था भगवा रंग, तो वो पहन रहे तो सही, दीपिका पादुकोण पहने तो गलत। मैं बता रही हूँ, भगवा रंग अगर उस तरह धारण करना है ना, कब धारण किया जाता है, जब तुम इस संसार से मोह माया त्याग कर दो और तो और अपना पिंड दान कर दो, औकात है इन लोगों को। अपना पिंड दान जब कर दोगे ना, तब तुम इस भगवा रंग को उस तरह से धारण कर पाओगे। नॉर्मल कोई भी आदमी भगवा रंग का कुर्ता पहनता है, भगवा रंग का गमछा डालता है, चुन्नी डालता है, इसे इज्जत की नजर से देखेंगे। अगर आप मोह माया त्याग कर अपना खुद का, स्वयं का पिंड दान कर आप भगवा रंग उस तरह से अपनाते ना, स्वागत करते। अच्छा। क्योंकि हर एक चीज का नियम होता है सर, और हमारा भारत देश ना नियमों पे चला है, धर्मों के अनुसार चला है, और जो लोग कह रहे हैं ना धर्म पे मत जाओ, धर्म पे ना जाओ, हम क्यों ना जाए, मुझे एक जवाब दीजिए। अच्छा। अगर धर्म पे ना जाए तो आखिर क्यों ना जाए? अच्छा। सर धर्म के आधार पे तो इस देश को दो टुकड़े में बांट दिया गया कि ये मुसलमानों के लिए, ये हिंदू के लिए, लेकिन जो मुसलमानों का है वो केवल मुसलमानों का है, लेकिन जो हिंदू है वहाँ पे सिर्फ सेकुलर लोग रहेंगे। यानी कि सारे धर्मों को मानने की इजाजत है लेकिन हिंदू धर्म को टारगेट करके उसको मारने की इजाजत है। अच्छा। जी तो इसमें कहाँ से हिंदू धर्म और कहाँ से भगवा आ गया? कुछ सेकंड के लिए दीपिका पादुकोण ने अगर बिकनी पहन भी लिया भगवा वाला, उसे तकलीफ क्या हो रही है, ऐसा बोल रहे हैं सेकुलर लोग। तकलीफ मैंने क्या कहा कि इनको भगवा का मतलब ही नहीं पता। मन भी भगवा, तन भी भगवा, भगवा रंग जवानी का, कहत कबीर सुनो भाई साधु, रंग है ये बलिदानी का। इन लोगों को भगवा रंग का अर्थ भी
है सर कि भगवा रंग का मतलब क्या होता है, आखिर क्यों हनुमान जी ने भगवा पहना था, आखिर क्यों हनुमान जी ने पूरे शरीर में भगवा रंग का सिंदूर लगाया था। सर इन लोगों को जिनको अपने ग्रंथ के बारे में नहीं पता, जिनको अपने धर्म के बारे में नहीं पता, वो तो यही बोलेंगे शिवलिंग पे दूध चढ़ाते हो आखिर क्यों, इससे बढ़िया गरीब को दान कर दो, लेकिन शिवलिंग पे दूध क्यों चढ़ाते हैं और कब चढ़ाते हैं ये चीज किसी को नहीं पता। मतलब अपने धर्म के बारे में पता नहीं है लेकिन सवाल उठाएंगे क्यों, उनको सेकुलर बनना है, उनको सेकुलर बनना है मतलब परमात्मा मां बताना है खुद को कि देखो भाई हमारे दिल में कोई मोक्ष माया नहीं है, मतलब हम सब धर्म की इज्जत करते हैं। मैं एक घटना बता रही हूँ, रोहंगनिया ज्यादा दूर नहीं है ना, वहाँ पे बौद्ध भिक्षुओं का वो पूरा का पूरा देश था जहाँ पे एक चींटी को मारना भी पाप माना जाता था। वहाँ पे मुसलमान जब तक कम थे ना सब भाईचारा निभा रहे थे, लेकिन जैसे उन पिल्लों की संख्या बढ़ी उन लोगों ने क्या किया, बौद्ध भिक्षु की बहन बेटियों का बलात्कार करना शुरू किया, उनको काटना शुरू किया, उनके मंदिरों के सामने गौ को काट के रख दिया गया। जब पानी सर से ऊपर चढ़ा ना तो जो बहुत भिक्षु एक चींटी मारना पाप समझते थे उन्हीं ने तलवार उठाया और तलवार उठाकर अपने देश को बचाया, जो भागे हुए पिल्ले आज हमारे देश में जिसको हम रोहिंग्या मुसलमान कहते हैं। अच्छा। ये वही है जिनको अपने धर्म के बारे में नहीं पता, अपने रंग के बारे में नहीं पता, अपने ग्रंथ के बारे में नहीं पता, उनको बहुत मजा आएगा सर ये देख के बड़ा अच्छा लगेगा। बुरखा में दिखाते ना सर। सवाल यहाँ पे ये उठ रहा है क्या भगवा कलर पहनना बंद कर दे, क्या कोई ना पहने भगवा कलर? जी बिल्कुल भगवा पहने, लेकिन जो उसके लायक है वो। हम अगर भगवा पहने रहते तो क्या आपको बुरा लगता? हम अगर भगवा रंग की चुन्नी लपेटे रखते या भगवा रंग का शॉल लपेटे आपको बुरा लगता? नहीं लगता, आप मुझे इज्जत भरी निगाहों से देखते। लेकिन उस तरह जो भगवा लपेटा हुआ था जिसमें उनका शरीर नाम मात्र दिख रहा था, पूरे का पूरा शरीर दिख रहा है, उस आप भगवा की इज्जत कर पाएंगे? आप खुद सोचिए कि क्या आप उस रंग की इज्जत कर पाएंगे जो उस रंग को उसने अपने शरीर पे लपेटा था, वो भी वैसी जगह पे जो कभी इस देश की नारियां सोच भी नहीं सकती हैं। भारत में सर मुझे एक बात याद है, स्वामी विवेकानंद जी जब विदेश गए थे तो उनसे एक चीज पूछा गया था कि आखिर क्यों आपके देश में लड़कियों से स्त्रियों से कोई हाथ नहीं मिला सकता, तो उन्होंने बोला था कि आपके देश की जो रानी है क्या उनसे हर कोई हाथ मिला सकता है? बोले नहीं, हमारे देश में रहने वाली हर एक स्त्री वो खुद में रानी है, महारानी है, इसलिए हम उनके पैर को छू सकते हैं, उनकी इज्जत कर सकते हैं, उनसे हाथ जोड़ के प्रणाम कर सकते हैं, नतमस्तक हो सकते हैं, हाथ नहीं मिला सकते, उनको छू नहीं सकते। लेकिन इन बॉलीवुड वालों ने 90 के दशक के बाद जितनी मूवियां लाई हैं हमारे देश को, हमारे धर्म को बर्बाद करने के लिए, जो भारत देश जम्बूद्वीप पे भरत कंडे अपनी संस्कृति की वजह से जाना जाता था, उन सब चीजों को नष्ट करने वाला ये बॉलीवुड किस चीज के लिए देखे सर? ये बताइए कि ये पहली बार तो नहीं हुआ है ना बॉलीवुड में, इसके पहले भी अक्षय कुमार के साथ में देखा था आपने, वीडियो सामने आ रहा है, वायरल किया जा रहा है कि उनके साथ में भगवा कलर पहना हुआ था हीरोइन ने, तब तो कोई तकलीफ नहीं हुई। अब तकलीफ हो रही है शाहरुख खान के समय, क्योंकि वो शाहरुख खान है, ठीक है, वो मुसलमान है, इसलिए तकलीफ हो रही है। नहीं, अब मैं आपको दोनों सवाल का जवाब देती हूँ कि अक्षय कुमार ने भी भगवा, ऐसा नहीं है सर, ये पहली मूवी नहीं है, बहुत बार ऐसी मूवी आ चुकी है हमारे देश में जहाँ भगवा रंग को बेइज्जत किया गया है, भगवा रंग को गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया। जैसे किसी को गुंडा दिखाना है तो भगवा रंग का वस्त्र पहना दीजिए, उससे ज्यादा बड़ा गुंडा दिखाना है रुद्राक्ष डाल दीजिए, और उससे भी बड़ा गुंडा दिखाना है तिलक डाल दीजिए, हो गए वो सबसे बड़े गुंडे साबित, विलन क्या होते थे बॉलीवुड में, यही ना। और हम लोग क्या करते, अरे यार क्या रोल है, खुश होते थे। पीके जैसी मूवी में जहां शिव जी के स्वरूप को बाथरूम में भेज दिया गया, वहां थिएटर में बैठ के तालियां बजाने वाले हम जैसे जनता है सर, हम अपना खुद का गिन रहे, क्यों पता है? क्योंकि इससे पहले हमें भी नहीं मतलब था सेकुलरिज्म से, हमें इन सब चीजों से मतलब नहीं था, हमें क्या मतलब था, अरे हिंदू या मुसलमान खून तो लाल होता है, लेकिन जब इन मुसलमानों ने हम हिंदुओं का खून निकालना शुरू किया ना, तब हमें दिक्कत हुआ सर। तब हमने सोचा अगर आज हम इस धर्म के लिए, अपने धर्म के लिए नहीं खड़े होंगे ना, तो कल हमारा धर्म साथ नहीं देगा, और एक बार हमारा धर्म ने हमारा साथ छोड़ा ना, तो कलयुग का तो विनाश तय है, फिर कुछ नहीं बचेगा सर, एक भी हिंदू राष्ट्र नहीं है अंतिम में, ये भी नहीं बचेगा। लेकिन स्वरा भास्कर तो प्रमोशन कर रही है टाइम टाइम पे, ट्विटर पे आ रही हैं, जो इसको इस मूवी को बायकॉट कर रहे हैं उनको सुना भी रही हैं, ठीक, लताड़ भी रही हैं उनको, और साथ ही साथ प्रमोशन भी कर रही है, कोई बूढ़े कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इस बाइक। हाँ तो अब मैंने क्या कहा ना कि इन लोगों को सच में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इन लोगों ने इतना कमा रखा है कि सात पुस्त ऐसे भी बैठ के खाएंगे, ये कड़वी सच्चाई सर, पर ये स्वीकार करिए, इन लोगों को फर्क इसी वजह से नहीं पड़ रहा है कि यार करो कोई बात नहीं थोड़े बहुत। आपको क्या लग रहा है सर, 250 करोड़ की है ना ये लागत, पठान नहीं कमाएगी, लेकिन ये मत भूलिएगा हमारे देश में जिहादी भी हैं और हमारे देश में हिंदू जयचंद भी मौजूद हैं जो इस मूवी को देखने जरूर जाएंगे, हमारे देश में वो लोग मौजूद हैं, और इस इन्हीं का तो फायदा उठा के सर। कन्हैया कुमार ये मुसलमान है क्या सर? हिंदू है कन्हैया कुमार, है ना, हम उसका समर्थन करें क्या? देशद्रोही है, अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, और उसका समर्थन में उतरने वाली है स्वरा भास्कर, इसको ना देश से मतलब है ना धर्म से मतलब है, इन लोगों को किसी से मतलब नहीं है। दूसरा सवाल आपका था कि, और सर दीपिका पादुकोण जिसने इसमें रोल किया था, पद्मावती मूवी आई थी ना एक ब्लॉकबस्टर मूवी,
जेएनयू में कन्हैया कुमार का भाषण सुन के गंगा जमुना बहाने वाली यही दीपिका पादुकोण थी। ये लोग अपनी पब्लिसिटी के लिए इस हद तक गिर सकते हैं कि इनको ना अपने देश से मतलब होता है ना अपने धर्म से। दूसरा सवाल कि अक्षय कुमार ने भगवा पहना तो उससे दिक्कत नहीं हुई, लेकिन शाहरुख खान ने पहना उससे दिक्कत क्योंकि मुसलमान है। हाँ, मुसलमान से दिक्कत है भाई। लिख के ले लो, मेरे हाथ से लिखवा लो। गिने चुने मेरे हाथ में कुछ मुट्ठी भर मुसलमान है जो मुझे पसंद है, जैसे डॉक्टर तारिक फतेह हो गए, डॉक्टर रिजवान अहमद हो गए, कुछ कुछ ऐसे हैं जो गिने चुने हैं। अब उनका हवाला दे के सारे जिहादी यहाँ पले वो तो जरूरी नहीं ना। क्यों ना तकलीफ हो मुसलमान, उनकी बस वही गलती है। वो मुसलमान है जो हम हिंदुओं को मारना चाहते हैं, वो मुसलमान है जो गलत कुरान को फॉलो करते हैं और उसके बाद कहते हैं गुस्ताख नबी की एक ही सजा, सत्तन से जुदा, सत्तन से जुदा। एक बात बताइए, जब नूपुर शर्मा ने बयान दिया पाकिस्तान ने भी समर्थन किया था सर, किया था ना, लेकिन हिंदुस्तान का कितना मुसलमान आके समर्थन किया था? हर कोई बलात्कार करने की धमकी, और तो और उदयपुर न जाने ऐसी कितनी घटना हुई थी जो नूपुर शर्मा के समर्थन करने वालों को काट दिया गया था। कहाँ थे सर अच्छे मुसलमान, कहाँ थे जब 90 में कश्मीर पंडितों, कश्मीर में कश्मीर हिंदुओं को भगाया जा रहा था, कहाँ थे अच्छे मुसलमान? मुझे एक सबूत दीजिए अच्छा मुसलमान होने का, मैं मान लूंगी, लेकिन नहीं तो आखिर क्यों? रही बात शाहरुख खान, पठान, ये पठान बड़ा अच्छा शब्द है, ये तलवार की नोक पे सलवार पहनने वाले की मूवी देखने जाएंगे क्या? हिंदू इतने ना, इतने बड़े हिजड़े हो गए हो कि ये तलवार, मुझे याद है सर, बस एक बार ऐसी तलवार मयान से निकली थी हमारे राजा की, और उसके बाद किस तरह वो सलवार पहन के भेजे जो आज इनका फैशन बन चुका है, फैशन बना के घूम रहे हैं, और क्यों पहने थे उसका रीजन बताने में बड़ा शर्म आएगा। दूसरा नंबर पठान, 21 सिख ने 10,000 पठानों को किस तरह मारा था, मैं आपको वो भी याद दिला दूं। तीसरा, गलहौत खान सहित घोड़े को बीच से फाड़ने वाले हमारे महाराणा प्रताप, हम पढ़ेंगे तो उनकी, उनका इतिहास ना कि इन पठानों और मुल्लों और मुगलों की। अच्छा। क्यों पढ़े सर, क्या सीखने मिलता है, क्या सीखने मिलता है? आप किसी चलचित्र को देखने जाएंगे ये सोचकर कि हम उससे कुछ सीखेंगे? सीखने तो मिलेगा सर, थोड़ा दिन इंतजार करिए, दिल्ली के कनॉट प्लेस में मौजूद है ना, निकलेंगे, थोड़ा दिन होगा ही। आज दिल्ली में यहाँ से निकल रहे थे, कुछ लड़के ने बलात्कार किया, आखिर क्या हुआ, कैसे हुआ, कहाँ से आई है बलात्कार करने का ट्रिक, आखिर कैसे सीखा इन लड़कों ने? बॉलीवुड की तो देन है सर, 90 के दशक से पहले की मैं नहीं बोल रही हूँ, 90 के दशक की बात की, एक मूवी ऐसी बताइए जिससे लड़के लड़कियाँ कुछ सीखे, कुछ नहीं सर। ये बताइए कि शाहरुख खान से जब पूछा गया, बायकॉट के जवाब पूछा, मांगा गया कि बायकॉट मूवी हो रही है तुम्हारी, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? तो वो बोल रहे हैं छोटे मोटे हवाओं से हमें फर्क नहीं पड़ता, उसे सिर्फ झाड़ और पेड़ हिलते हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई, इतना गर्मी तो सही है, बुर्ज खलीफा में जिसका बर्थडे पे फोटो निकलता हो उसको तो ये होगा ही ना। और कौन कर रहा है ये पता है? हम हिंदू। देखिए मुझे पता है कि मेरी बात से फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं फिर भी बोल दूंगी, चाहे तुम कांग्रेस में हो या किसी और पार्टी में हो, बस एक बार अपने घर जाना और अपनी बेटी का चेहरा देखना और सोचना कि अगर कल ये नग्न होकर तुम्हें रोड पर मिले तो तुम्हें कैसा लगेगा, और अगर तुम्हें हलाला बहुत प्रिय है तो तुम बेशक देखना, इस मूवी को भी देखना और प्रमोट भी करना, तुम सब करना। हमें पठान से भी दिक्कत है क्योंकि वो हमारे देश का नहीं, हमारे शाहरुख खान से भी हमें दिक्कत है क्योंकि जब बद्रीनाथ जैसी भयानक घटना हमारे भारत देश में हुई थी, एक रुपया पैकेट से नहीं निकला था इसका, लेकिन जब पाकिस्तान में बाढ़ आया था तो आंसू इसके बह रहे थे, और 100 करोड़ रुपया देने वाला ये शाहरुख खान खाएगा हमारा, रहेगा हमारे देश में और गुन गाएगा उन देशों का जो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन रहा है। ये कैसे देश प्रेमी होता है सर? और क्या, हवा नहीं लगने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है। मुझसे बहुत लोग शिकायत करते हैं कि भाई आप इस देश की हैं, अगर आप मंदिर जाती हैं, पूजा करती हैं तो मस्जिद भी जाइए। वैसे हमारे पूर्वज एक बार मस्जिद गए थे, 6 दिसंबर का दिन था वो, अभी थोड़े दिन पहले क्रॉस हुआ है, थोड़े साल पहले जाइए, 90 के दशक की बात है, 6 दिसंबर में। उसके बाद क्या हुआ ना, किसी मुसलमान ने मुझे कभी मस्जिद नहीं जाने दिया। अब अंजाम आप खुद सोच लीजिए, इशारा है उसके लिए ये मन्नत, उसके महल का नाम है मुंबई ना, बस मैंने सुना है शिवाजी का शहर है वो, आज भी छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से जाना जाता है। मैं भड़का नहीं रही हूँ, लेकिन असली हिंदू हो और तुम्हारा खून गरम है तो अपनी औकात दिखाओ कि तुम क्या कर सकते हो। ठीक उसी तरह हम खुश होंगे जिस तरह तुमने श्रद्धा का बदला लेने का तो कोशिश किया, उसे देख के हमारा दिल खुश हो गया कि नहीं, अभी भी हिंदू मरे नहीं है, अभी भी जागे हैं। मुंबई महाराष्ट्र में रहने वाले हर उस हिंदू से निवेदन है कि आप ये बताओ कि आप क्या कर सकते हो। अगर इस मुंबई को फिल्म सिटी बनाने वाले हम हैं तो उसे बिगाड़ने वाले भी हम ही होंगे। फैसला आपके हाथ में है, आप अपनी बेटी को नग्न होता देखोगे, बलात्कार होता देखोगे, अब लफ्ज जिहाद होता हुआ देखोगे, या फिर अपनी बहन बेटियों को बचाओगे, फैसला आपके हाथ में है। ये बताइए, ठीक है भारत में तो बायकॉट हो रहा है, ठीक है, लेकिन कतार में आईफा जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ था, उस फीफा वर्ल्ड कप में बकायदा मूवी का प्रमोशन कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि दुनिया उनको समर्थन दे रही है, खाली भारत में ऐसा हो रहा है। हाँ। मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैं एक बात बता दूं, 56 इस्लामिक कंट्री और करीब
100-150 क्रिश्चियन कंट्री, हिंदू हिंदू राष्ट्र कितने हैं? है कौन है? बना भी तो नहीं है। कौन सा? नेपाल था, था हिंदू राष्ट्र था, अब नहीं है। एक भी हिंदू राष्ट्र नहीं है जहां हिंदू की संख्या बहुसंख्यक हो, है ना? सपोर्ट किसका करेगा आप? वो उनके धर्म के विरुद्ध नहीं गए, वो सनातनियों के धर्म के विरुद्ध गए हैं, जिनका खून आज पानी हुआ है, आज वो उनके विरुद्ध गए हैं, तो हम उनका समर्थन नहीं करेंगे। भारत के जो सच्चे हिंदू हैं वो उनका समर्थन नहीं करेंगे, बाकी तो बहुत भारत से भी कर रहे हैं, लेकिन बाकी सब तो सपोर्ट करेंगे ही सर। उनके धर्म से छेड़खानी थोड़ी हुई, छेड़खानी हमारे धर्म से हुई है तो फिर। और रही बात बहुत लोग कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान भाईचारा बना बराबर करके चलो, अच्छे से चलो, है ना? ये देश सेक्युलरिज्म की राह पर जानते हैं क्यों है? क्योंकि हिंदू यहाँ बहुसंख्यक है। जिस दिन मुसलमान यहाँ बहुसंख्यक होगा, तुम्हारे बाप में दम नहीं है इसे हिंदू राष्ट्र साबित करने की, ये सच्चाई। और जिस दिन ये इस्लामिक कंट्री साबित हुआ ना, उस दिन ना तुम अपनी माँ को बचा पाओगे, ना बहन को बचा पाओगे, तुम्हारे सामने बलात्कार होगा और तुम हिजड़ों की तरह तालियां बजाओगे। मोदी जी कर क्यों नहीं रहे फिर हिंदू राष्ट्र? बस यही तो बात है सर, अगर एक बार में करेंगे तो लोग तो विरुद्ध होंगे ना, और होने वाले और कोई नहीं, अपने हिंदू होंगे सर। वो किसके लिए लड़े, किसके लिए लड़े? हम हिंदुओं के लिए, उस हिंदू के लिए जब उन जिनके समर्थन में अग्निवीर जैसे योजना लाते हैं, तो वो गाड़ी जलाने वाले केवल मुसलमान नहीं होते, हिंदू भी होते हैं। ट्रेन और बस जलाने वाले केवल मुसलमान नहीं होते, हिंदू भी होते हैं। पहले हिंदू को जागना होगा, हिंदू को अपनी सच्चाई समझनी होगी, तब मोदी जी हाथ उठाएंगे। अगर मोदी जी अभी उठाएंगे तो मुझे भरोसा है इस देश के जय चंदों पे वो उनके भी खिलाफ होगी। और सर, मैं भारतीय जनता पार्टी की ना प्रवक्ता हूँ ना कुछ हूँ, लेकिन मैं समर्थन करती हूँ, क्योंकि राम मंदिर बनाने वाली ये भारतीय जनता पार्टी है और आजीवन करती रहूंगी सर। ठीक है, लेकिन जो हमारे देश में बुद्धिजीवी हैं उनका क्या कहना है? वो तो लगातार सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, ट्रेंड पे चला रहे हैं पठान मूवी को लेकर। बोले जो अंधभक्त है ना, अंधभक्त खाली बस मुसलमान के नाम पे ये सब राजनीति कर रहे हैं। सबसे पहले मैं एक बात बता दूं, अगर अंधभक्त बोल ही दिया है तो तुम हमारे देश के नहीं हो। हाँ। मुसलमान हमारे देश के नहीं, जो अपने हैं उनको पता है कि वो हमारे हैं। अच्छा। ठीक है, वो हमसे ही पैदा हुए, ये सच्चाई। ये सरयू नदी किनारे क्या हुआ है वो हम सबको पता है। सरयू नदी किनारे कितनी शाखा काटी गई है, कितनी शाखा नोची गई है, हम सबको पता है। उन मुसलमानों को की बहुत जल्दी घर वापसी होगी, लेकिन जो हमारे देश के नहीं है, ये मुगलई और पठान के वंशज, ये हमारे नहीं है। और रही बात बायकॉट करने की, बायकॉट तो ट्रेंड चलेगा सर, और मुझे भरोसा है इस देश के जयचंदों पे, मुझे भरोसा है इस देश के दोगले हिंदुओं पे, और मुझे भरोसा है इस देश के जिहादी मुसलमानों पे जो इसका समर्थन करेंगे। और रही बात पठान की, सर मानिए ना मानिए दोनों कठुए ही हैं, सपोर्ट तो एक दूसरे का करेंगे, खून तो हमारा पानी हुआ है कि हम में कोई छाप नहीं है, हमारा कोई ऐसा छाप नहीं जिससे ये साबित हो कि हम हिंदू हैं, लेकिन फिर भी एक दूसरे के विरुद्ध हैं। एक दूसरे के विरुद्ध चलते हैं हिंदू, दूसरे हिंदू का पैर खींचता है, एक हिंदू आगे बढ़ता है दूसरा हिंदू उसको गिराता है, लेकिन एक मुसलमान अगर गलत होने के बाद भी आगे बढ़ता है ना, तो उसका सपोर्ट उसका पूरा कौम करता है, चाहे वो पठान हो, खान हो, चाहे वो किसी भी तरह का हो। अच्छा। गलती हमारी है सर। सेंसर बोर्ड तो है, सेंसर बोर्ड देखिए काम करेगी अपना। सर यही तो बात है ना, हमारे देश का संविधान और बहुत सी ऐसी रूल है जो हमें जगड़ के रखी है सर। ऐसा नहीं है, पावर है ना सर, वो तो प्रधानमंत्री है। हिंदू राष्ट्र करे रातों रात ऐलान कर दे, जिस तरह उन्होंने किया था कि नोटबंदी करनी, ऐसे बहुत सारे मुद्दे थे, ऐलान कर दे, लेकिन नहीं होगा सर, नहीं होगा, क्योंकि मैंने कहा ना समर्थन चाहिए। रही बात CNRC की ना, तुरंत ठप्पा लग जाएगा, भाई आपने क्या देख लिया, आपने पूरी मूवी देखी भी नहीं, ये मुसलमान के विरुद्ध हो गया CNRC, सरकार भी मुसलमान के विरुद्ध हो गया, जो सरकार ने CNRC लाया इसलिए कि जो इस देश के वासी हैं वो यहाँ रहे और जो नहीं है वो निकले, ताकि इस देश के मुसलमानों को उनका हक मिले, फिर भी मुसलमान और हिंदू उनके विरुद्ध खड़े हो गए, तो उनको भरोसा है सर। रही बात सेंसर बोर्ड की, मैं तो एक बात बोल रही हूँ सर, जाने दीजिए भारतीय जनता पार्टी को, जाने दीजिए किसी लोग को, मैं आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ, अगर जैसा मैं बोल रही हूँ मैं वैसी ही हूँ, और अगर मेरे जैसे लोग हैं ना तो मैं तलवार उठाने से पहले नहीं सोचूंगी, किसी भी चीज़ के बारे में सोचने की जरूरत नहीं, उठो चलो और अपने लक्ष्य की प्राप्ति तक मत रुको। अच्छा। अब हमारा लक्ष्य एक है, हिंदू राष्ट्र, अखंड भारत, जिसके लिए हमें तैयार होना पड़ेगा, वरना कटने के लिए तैयार हो जाओ और खतना करवाने के लिए तैयार हो जाओ। बिल्कुल। आखिरी सवाल आपसे, शाहरुख खान के लिए क्या कहना चाहिए? कुछ नहीं सर, अब उन लोगों को कह दूँ फिर हो गया, ये क्या ही कहूँ मैं, मैंने कभी देखा नहीं इसकी, ऐसी कोई मूवीज नहीं देखी। वैसे वीर जारा मैंने नाम सुना था, उसके गाने बड़े अच्छे लग रहे थे, एक दो गाने थे बड़े अच्छे लग रहे थे, ठीक है, वो मूवी था जिसमें वीर और जारा एक दूसरे से प्यार करते हैं, फिर वो पाकिस्तान जाते हैं, जहाँ पे वीर को पाकिस्तानी पुलिस अंदर लेके जाता है, आर्मी वाला कुत्ते की तरह मारता है, 20 साल तक रखता है, सारे शरीर का चर्बी निकाल लेता है, ठीक है, उसके बाद उनको जारा से मुलाकात होती है। एक थे हमारे सनी देओल, जो पाकिस्तान जाते हैं उसी का हैंडपम्प उखाड़ते हैं, उसी को मारते हैं और अपनी सकीना बेगम को वापस लेके आते हैं।
तो सर फॉलो करना है तो वैसे लोगों का करिए ना, आप पूछना है सनी देओल के बारे में पूछिए, अरे आराम से बताएंगे। शाहरुख खान, सलमान खान, इन लोगों के बारे में, एक खान के लिए मेरे मुंह से कुछ निकलेगा ही नहीं सर। मैं इनका नाम ले लूँ तो फिर मैं अपवित्र हो जाऊंगा, मुझे घर जाके नहाना पड़ेगा। इन लोगों का नाम लेना सही नहीं है सर। बहुत धन्यवाद। तुम्हारे साथ में खुशबू पांडे जी थी, इनको सुना आपने। आप भी अपनी राय बताइए, क्या पठान मूवी को बॉयकॉट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। कैमरा पर्सन सिद्धार्थ के साथ मैं सुमित तिवारी, TNN वर्ल्ड, दिल्ली।